अब सबके मन में यह सवाल तो जरूर गूंजता होगा कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं और आईपीओ में कैसे और कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आईपीओ संबंधित सभी डाउट को क्लियर करेंगे और अपने सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में, जहाँ आपको स्टॉक मार्केट तथा इन्वेस्टमेंट संबंधित समस्त जानकारी टेक्निकल और फंडामेंटल बिल्कुल सरल व आसान भाषा में सीखने को मिलती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और स्टॉक मार्केट से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, यदि आप एक डे ट्रेडर हैं और डेली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखना होगा। इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग चार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर ऐसी वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें कि टेक्निकल एनालिसिस और छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं और स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसको देखकर आप अपनी ट्रेडिंग और भी बेहतर बना सकते हो। तो जल्दी से हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने हमारी शेयर बाजार क्या है वाली वीडियो में यह जाना था कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को बेचकर वहां से इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे कलेक्ट कर सकती है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर के कुछ हिस्से को पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो उसको आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्रोसेस के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए ला सकती है। अब कंपनियां बहुत सारे रीजन के कारण अपने आईपीओ को लॉन्च करती हैं। पहला रीजन यह है कि कंपनी अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहती है। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि कंपनी अपना लोन चुकाना चाहती है। और तीसरा रीजन यह हो सकता है कि कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है। और एक रीजन यह भी हो सकता है कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, जिससे वह अपने प्रॉफिट को और भी बढ़ा सके। अब आशा करता हूं कि आईपीओ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि कंपनियां कैसे आईपीओ इशू करती हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ शेयर मार्केट में पब्लिक के लिए लॉन्च करने के लिए अपनी कंपनी की समस्त जानकारी एवं डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसमें कि कंपनी की हिस्ट्री, उसकी फाइनेंशियल डिटेल, उसके सभी बही खातों की जानकारी और कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या होते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, यह सभी बातों को एक फुल डिटेल डॉक्यूमेंट में लिखना होता है। इस डॉक्यूमेंट को DRHP या फिर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स कहा जाता है। कंपनी को यह डॉक्यूमेंट सेबी के पास देना होता है। अब सेबी क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट में होने वाली सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में होने वाली सभी काम, चाहे वह शेयर को खरीदना हो, बेचना हो, आईपीओ लॉन्च करना हो, डिविडेंड देना हो, सभी कार्यों पर ध्यान रखती है और किसी भी शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो, इस बात की सुरक्षा देती है। और कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का फ्रॉड ना कर सके अपने इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के साथ, इस बात पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, जैसे RBI सभी बैंकों, चाहे वह गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनके सभी कामों, सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखती है और उन्हें रेगुलेट करती है, ठीक उसी तरीके से सेबी स्टॉक मार्केट की सभी एक्टिविटी और गतिविधियों को रेगुलेट करता है। सेबी सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करती है, उसमें दी हुई समस्त जानकारी को पढ़ती है और अच्छे से एनालाइज करती है। और यदि कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए बाध्यता रखती है तो उसे आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन दे देती है। परमिशन लेने के बाद कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाती है। अब आईपीओ लाना इतना सरल नहीं होता, यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए कंपनियां अपने आईपीओ को लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद लेती है। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ लॉन्च करने के सारे प्लान और सारा प्रोसीजर बनाते हैं और उसके बाद कंपनी आईपीओ को पब्लिक के लिए लॉन्च कर देती है ताकि पब्लिक अप्लाई कर सके। दोस्तों, आईपीओ अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन मिलते हैं और इस अवधि में हम आईपीओ का इशू पीरियड कहते हैं। यदि हम आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी द्वारा दिए गए इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू 10 करोड़ कलेक्ट करने का प्लान बनाती है। इसके लिए कंपनी अपना 20% हिस्सा पब्लिक को सेल करना चाहती है। कंपनी इसके लिए 1 करोड़ शेयर निकालती है और हर शेयर की प्राइस 1000 रखती है। दोस्तों, आपको यह भी जानना होगा कि आईपीओ में शेयर्स लॉट या बंडल के रूप में अलाउड किए जाते हैं और यह भी बात फिक्स होती है कि एक लॉट का बंडल का प्राइस 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए 15,000 में कितने शेयर होंगे यह एक शेयर के प्राइस से डिसाइड होता है। अब जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये का एक शेयर है तो उस शेयर के लॉट में 15 शेयर होंगे। किसी भी आईपीओ का लॉट साइज निकालने के लिए हम 15,000 को उस शेयर के एक प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस कंपनी का आईपीओ का लॉट साइज मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपये रखा है तो 15,000 में इस कंपनी के 15 शेयर ही आएंगे।
और अगर हम एक शेयर के प्राइस को 500 कर देते हैं तो एक लॉट में 30 शेयर हो जाएंगे। अब IPO जैसे ही लॉन्च होता है तो इसे इंस्टीट्यूट के अंदर पब्लिक IPO के लिए अप्लाई करती है। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर हमने IPO के लिए अप्लाई किया है तो हमें शेयर मिल ही जाएंगे, और ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कहीं ज़्यादा शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई कर देते हैं, और ऐसा होने पर शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर से रैंडमली होता है, या फिर आप इसे लॉटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमने IPO में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 लॉट ही मिल जाएं, एक ही लॉट मिल सकता है या फिर वो भी ना मिले। आशा करता हूं कि आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि हम IPO में अप्लाई करके कैसे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि 1980 में विप्रो कंपनी ने अपने IPO लाया था, और IPO लाने के समय कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये पर शेयर थी। यदि IPO के समय में किसी ने विप्रो के शेयर में लिए होते और 10,000 इन्वेस्ट करते तो 2019 तक बोनस और स्प्लिट मिलाकर उसके पास कंपनी के टोटल 1,92,00,000 शेयर हो जाते, और 2019 में विप्रो के एक शेयर की प्राइस लगभग 250 थी, तो शेयर की टोटल वैल्यू लगभग 482 करोड़ रुपए होती। दोस्तों, बोनस और स्प्लिट ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर देती हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हम उस कंपनी के IPO में ही अप्लाई करना चाहिए जिसका फ्यूचर ग्रोथ सही हो। मतलब कि हमें IPO अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल एंड कंपनी के बिजनेस पर्पस एंड प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और एनालाइज करके ही उसके IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए। IPO में अप्लाई करने के बाद और उसका अलॉटमेंट होने के बाद हमें उस IPO को लंबे समय तक होल्ड भी करना होता है। अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और शेयर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं रखते हैं तो सीधी सी बात है, हमें हमारी इच्छा अनुसार रिटर्न नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सरल व आसान भाषा में मिल गया होगा। अब हम अगले आखिरी सवाल पर चलते हैं कि हम किसी IPO को कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, IPO में हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी हर बैंक देती है, और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए हम IPO का फॉर्म अपनी ब्रोकिंग फर्म के पास भर सकते हैं। यह फॉर्म आज के समय में ऑनलाइन भी भरा जाता है। दोस्तों, हर ब्रोकर के पास IPO अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए पहले आप अपने ब्रोकर से बात कर लें और डिस्कस कर लें कि IPO अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि IPO क्या होता है, IPO में इन्वेस्ट करने से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं, और आखिरी बात, हम IPO में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के साथ।